राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। महामारी में पीएम के फेवरेट मित्र की संपत्ति कैसे बढ़ी? कौन है पीएम मोदी के फेवरेट मित्र? कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या फिर उससे पहले की, पीएम मोदी की सरकार पर तंज कसने से वो नहीं चूकते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने एक साथ कई तीर चलाए हैं, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी से एक सवाल किया है। ये सवाल कोरोना काल से जुड़ा हुआ है। ये सवाल उस वक्त का है जब पूरा देश कोरोना के कहर से परेशान था, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। राहुल गांधी के मुताबिक ऐसे मुश्किल वक्त में पीएम मोदी के एक फेवरेट मित्र की संपत्ति 46% कैसे बढ़ गई, वो भी महज एक साल के ही समय में। राहुल गांधी ने ये सवाल किया कि पीएम मोदी के फेवरेट मित्र की संपत्ति एक साल में 8 गुना कैसे बढ़ गई। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि मीडिया जनता का ध्यान बटाती रही, वहीं प्रधानमंत्री के मित्र जेब काटते रहे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि गरीबों की कमाई मित्रों ने चुराई। इससे पहले भी राहुल गांधी ने GST को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। केंद्र सरकार पर यह हमला भी ट्वीट के जरिए ही किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने अमीरी गरीबी और GST के योगदान का एक खाका पेश किया था। इसमें उन्होंने देश में गरीबों की संख्या को 50% बताया था, जिनका GST में 64% योगदान होने की बात कही थी। वहीं देश के सबसे अमीर 10% आबादी का GST में महज 3% ही योगदान देने की बात कही थी। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने तंज भी कसा था कि GST यानी गब्बर सिंह टैक्स में अमीरों को छूट है और गरीबों की लूट है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी के जिस फेवरेट मित्र का जिक्र किया है, उसका नाम तो राहुल गांधी ने नहीं लिया। उनका इशारा किनकी तरफ है, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट का केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मायने लगाते हैं और राहुल गांधी को इसका जवाब किस तरीके से दिया जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस यात्रा को लेकर न केवल राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता उत्साहित है। राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर के कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगा फहराकर इस यात्रा को समाप्त करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।